हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है हम ये रेनबो स्केचिंग बुक घर पे बनाने वाले हैं। हाँ जी, हम ये घर पे बनाने वाले हैं और ये वर्क करता है। तो मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा जो कि वो ख़रीद के लाके रिव्यू कर रहे थे इस ड्राइंग बुक का। मैंने सोचा यार, ये क्या हम घर पे बना सकते हैं, क्योंकि हर कोई एक इतनी सी चीज़ नहीं बाय कर सकता। इसलिए क्या हम इसे घर पे बना सकते हैं, यानी हर कोई ट्राई कर सके। इसमें मैंने एक पेपर जो नॉर्मल किसी भी स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगा, और ऑयल पेस्टल्स जो हर किसी के पास होते ही हैं जो ड्राइंग करता है, तो उन दोनों का यूज़ करके मैंने ये बनाया है। आपको पता ही होगा उसके पीछे लिखा हुआ आता है मिक्सिंग का मैजिक। तो वो बहुत सारे शेड देने के बाद उस पर वो टूल घुमाने के बाद वो आता है, बट वो इतना नहीं होता है कलरफुल। तो मैंने क्या किया, थोड़े थोड़े शेड्स हर जगह दे दिए, और उसके ऊपर ब्लैक की जगह मैंने जो पर्पल होता है वो दे दिया, क्योंकि यार ब्लैक बहुत ऑर्डिनरी हो गया। यानी मुझे लगा कि ब्लैक की जगह कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। और मैंने उसमें वॉलेट डाला कि देखते हैं कि क्या होता है, ब्लैक भी यूज़ करेंगे तो भी अच्छा होगा, और पर्पल भी ट्राई करना आप, मुझे तो अच्छा लगा। और बाद में मैंने साइड में फिनिशिंग करके पूरा वो डिटेल दे दिया, पूरा प्लेन कर दिया उसे। और इसमें मुझे क्या लगा, जो आप ख़रीदते हैं वो वाला स्केचिंग का, उसमें आप इरेज नहीं कर सकते, यानी आपसे गलती हो गई तो हो गई, वो बाद में रिपेयर नहीं होने वाली, उसे आपको फेंक देना ही पड़ेगा उस पेपर को। बट इसमें वैसा नहीं है, क्योंकि इसमें आप गलती होने के बाद, देखिए मैंने एक ऐसा ही हाउस निकाल दिया जो कि थोड़ा गलत था, तो मैंने क्या किया, उस पर फिर से वॉयलेट ऑयल पेस्टल घुमा दिया, हो गया सॉल्व्ड। सो इससे आपका पेज भी वेस्ट नहीं होगा, और बहुत अच्छे से। और एक ध्यान रखो, आप पेंसिल से कर रहे होंगे तो उसके पीछे वाले साइड से करो, आगे वाले साइड से करोगे तो ग्रेफाइट लग जाएगा और वो काला काला दिखने लगेगा, वो ग्लो नहीं देगा। और इसमें मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि सारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। ये कैमरा थोड़ा सा डल हो गया है, इसलिए वो इतना शाइनी नहीं है दिख रहा, तो रियल टाइम में ये बहुत ही शाइन कर रहा था, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा था। आई होप कि आप भी ये ट्राई करो घर में, और आप भी ये ड्राइंग करके मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ड्रॉ विथ सुजल पाटिल, तो उस पे आप प्लीज़ मुझे शेयर करिए अगर आपने ये ट्राई करा तो। मुझे तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया लगे। इसमें आप गलती भी हो गई है तो भी आप रिपेयर कर सकते हो, और ये काफ़ी सस्ते में हो जाता है, आपको कोई अलग से बुक नहीं खरीदनी है। और एक बात है, आप मैंने इसमें पेंसिल किया है, क्योंकि हर किसी पास पेंसिल होती है, तो आप चॉपस्टिक से भी कर सकते हैं। चॉपस्टिक हर किसी पास नहीं होती, इसलिए मैंने चॉपस्टिक का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चॉपस्टिक भी कर सकते हो, उससे एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। और इसमें मुझे बनाने में काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि सारे कलर्स सेटिस्फाइंग थे, मुझे सेटिस्फाई कर रहे थे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इसके जो रिजल्ट्स हैं, अगर आपने भी ट्राई करा प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने देखा, बताया था वो आपने ट्राई किया है। सो आपको कैसा लगा ये ड्राइंग, प्लीज़ कमेंट करके बताना, और इंस्टाग्राम पे आप ये करके प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।